देखिए, जैसा कि अभी एक जो बच्ची थी, इसने जो है कि 27 मई को दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच में जो है कि आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या उसने जिस कारण की थी, उसका एक उसने नोट भी जारी किया था, और उसके साथ में जिस लड़के के द्वारा उसको छेड़ा भी जाता था या उसको बार बार जो है प्रेम प्रसंग वगैरह को लेकर चिट्ठियां लिखना, कॉल्स करना या उसको मैसेजेस करना, ये जो तमाम चीज़ें जो शामिल है उसके अंदर जो किया जाता था, वो सारे सबूत और जो है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह ये है एकत्रित। लेकिन उस मामले के अंदर अभी तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है कि वो जो उसने सुसाइड किया था तो उसके कारण क्या थे। उसके चलते जो हमारे ब्रदर है और इनके साथी और यहाँ पर आए हैं हम लोग, और आने के बाद में अभी हम लोगों ने SP साहब से उसके बारे में पूरा डिस्कशन किया कि ये कंडीशन था, ऐसा ऐसा मामला रहा है। और लड़की के परिवार वालों के द्वारा भी बाद में जब ये मुद्दा काफ़ी उठा तो उन लोगों द्वारा ये आश्वासन दे दिया गया कि चलो भाई अपन एक काम करते हैं, हम इसकी शादी करवा देंगे, हम लोग शादी वादी करा देंगे, आप मत चिंता करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो शादी का झांसा भी दिया गया। लेकिन ये जो संदीप जाधव जो है, उसके परिवार वालों के द्वारा किसी प्रकार से लड़की से फिर बाद में कांटेक्ट करना बंद कर दिया गया, इस लड़के के द्वारा भी उससे कांटेक्ट बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि उसको जिले के बाहर, क्षेत्र से बाहर पहुंचा दिया गया कहीं पर रहने के लिए। और उस लड़की ने मानसिक प्रताड़नाओं से तंग आकर उससे बार बार ये कांटेक्ट कर रही थी, लेकिन लड़का क्या है कि इसको उल्टी सीधी बातें बोलना, गालियां बकना, है ना, कि बस ले लेकर उसको बड़ा वो करता था। तो ये तमाम चीज़ों के चलते उसने जो है ये इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब ऐसी कंडीशन को देखते हुए हम जो है कि ये जो लोग हैं, इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए और ये जो दोषी है ये लोगों के साथ में कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि लड़की जो है बेचारी नाबालिग है, वो 16 साल की उम्र की बच्ची थी वो, और अनजाने में, और जो कहना चाहिए बचपने के अंदर, या जो एक उसका जो दिमाग है, हाँ, जो परिपक्वता जो थी उसमें नहीं थी, उसने ऐसा गलत कदम उठा लिया है, और जिसके कारण उठाया है, तो ऐसे लोगों को भी कम से कम एक बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, वो बालिग है पूरे तरीके से। और इसको सज़ा जब तक नहीं मिलेगी तो और माहौल के अंदर, माशरे में सब होता रहेगा। तो हम लोगों ने अभी हम लोगों ने अप्लीकेशन दिया है, जिसमें हमसे वन साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि इस मामले के अंदर जल्द कार्रवाई करेंगे और जो दोषी है इनको जो है हम लोग इन पर मुकदमा दर्ज करेंगे। देखिए सर जी, हम आज यहाँ पे SP कार्यालय इसलिए आए क्योंकि 27 तारीख को थाना मोरगा बुजुर्ग के अंतर्गत आने वाली घटना जो थी, कि 27 तारीख को जो घटना घटी, आज 7 दिन हो गए, 7 दिन में अभी तक के इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि एक 16 साल की नाबालिग बच्ची ने वहाँ पे आत्महत्या कर ली और पुलिस उसकी तहकीकात भी नहीं करी आज तक। वहाँ की पुलिस ने, यहाँ तक पुलिस ने ना तो पंचनामा तैयार किया है, ना ही किसी आरोपियों के ऊपर कोई कार्रवाई की है, कोई कार्रवाई नहीं करते हुए बस एक ही चीज़ की रट लगा रहा है कि जब तक PM रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे। PM रिपोर्ट का इससे कोई संबंध नहीं है। PM रिपोर्ट आने के बाद यहाँ तो धाराएं बढ़ती है या कम होती है, धाराएं अधिकांश बढ़ती है, इसीलिए PM रिपोर्ट से मतलब नहीं है। लेकिन पहली प्राथमिकता ये होती है पुलिस वालों की कि सर्वप्रथम वो FIR दर्ज करें और आरोपियों को अपने कब्जे में ले, ताकि आरोपी सारा अपना गुना कबूल करे, क्योंकि मानसिक पर मौत की वजह दिया था उन्होंने कि हम शादी करेंगे। और ये बताइए वजह क्या थी मौत की, जो लड़की ना देता, शादी करने का उन्होंने झालसा दिया था, और फिर कुछ समय के लिए उनको सांत्वना भी दी गई कि चलो हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, एक स्टाम्प पेपर 100 रुपए के उसके ऊपर लिखा गया और बताया गया कि हम शादी करेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद में लड़के से दूरियां बनाने लगे, लड़का जब भी बात करता था तो उससे गाली गलौज देकर बात करता था, और फिर उसके पूरे परिवार ने सबके ऊपर दबाव बनाना चालू किया, और लड़की की तो इज्जत खराब हो गई थी, उन लोगों ने इज्जत खराब कर दी थी उसको, जीने लायक ना गाँव में ना परिवार में। तो लड़की मानसिक प्रताड़ना से बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसने फिर ऐसे सुसाइड कर लिया अचानक। 16 वर्ष की उम्र थी, उसको समझ नहीं थी सही क्या है गलत क्या है। उसने घर परिजनों को बताया कि इस तरह से हमको प्रताड़ित कर रहे थे, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग और फिर जो भी हैं हमारे पास सुसाइड नोट हैं और वो पेंड्रॉइड में सेव हैं। लड़का था जो कि बोरगांव बुजुर्ग से हैं, और अभी वो फिलहाल में उसको कहीं फरारी पे रखा है उनके परिजनों ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश।